I gave you my heart. और दोस्तों क्या हालचाल है। तो आप में से कुछ लोगों ने वॉइस ओवर गेम प्ले वीडियोस के डिमांड किया था, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ वॉइस ओवर गेम प्ले वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोगों को एविएटर्स की सबसे ईजीएस्ट स्ट्रेटेजी ट्राई करके दिखाने वाला था, लेकिन वो भी मैं ढंग से कर नहीं पाया क्योंकि मैं कितना बड़ा नू हूँ आप लोगों को तो पता ही है। कि आप लोगों ने मेरा आई एम नूब सीरीज वाले वीडियोस को चेकआउट किए हैं, अगर आप लोगों ने आई एम नूब सीरीज वाले वीडियोस को चेकआउट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेल हो गया था तो नॉर्मल मूव से हमें काम चलाना पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने सोचा था क्लॉ से मेडिटेट को रोक दूंगा, क्योंकि मैंने एविएटर्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो मुझे पता नहीं था कि एविएटर्स इतना ज़्यादा स्लो है। तो फाइनली मेडिटेट लेवल 3 पहुँच चुका था, तो आप लोगों को तो पता ही है मेडिटेट लेवल 3 पहुँचने के बाद कितना ज़्यादा डैमेज देता है। इस टाइम पे लेवल 3 मेडिटेट को देख के मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रहा था, देखो तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा। तो अभी मेरे पास साउचेस आ चुका था और लूंड्रा का जो मेन मूव है वो भी मैंने यूज़ कर दिया था, तो यहाँ पे साउचेस को थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया मेडिटेट लेवल 3 करने के। और मेडिटेट लेवल 3 करने के बाद साउचेस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट ने बिस्ट्रॉन्ग पे स्विच हुआ था तो मुझे यहाँ पे इक्सरू पे स्विच करना था, क्योंकि इक्सरू के टॉर्च मूव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बिस्ट्रॉन्ग के बॉडी स्लैम से बचने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को एक पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे लेकिन एट द एंड साउंड सेज ने मेरे को बचा लिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, बाय।